नमस्कार आप सभी को, मैं शांभवी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ग्लैम वर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे। वेल, बिग बॉस सीजन 18 स्टार्ट होने वाला है और बिग बॉस की जो ऑडियंस है और जो फैंस हैं उनके बीच में बिग बॉस सीजन 18 के लेके क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही है। पहले डाउट इस चीज को लेके था कि सलमान खान इस बार शो को होस्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि बिग बॉस सीजन OTT3 जिसमें हम पूरे टाइम आपके साथ जुड़े रहे उस सीजन को होस्ट किया था अनिल कपूर ने, ना ही सलमान खान ने। उसके बाद सलमान खान के फैंस काफी ज्यादा क्यूरियस थे और परेशान भी थे ये जानने के लिए कि आखिर कहीं सीजन 18 में भी ऐसा ना हो कि उन्हें सलमान खान देखने को ना मिले। पर हमने एक पूरी वीडियो बना के आपको पहले ही अपडेट दे दी थी कि चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि सलमान खान विल बी होस्टिंग सीजन 18। अब हम आपको बता दें कि जो बिग बॉस सीजन 18 है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू होने वाला है। अभी तक फाइनल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट तो नहीं आई है, पर हमने ग्लैम वर्ड्स पे एक्सपेक्टिंग कंटेस्टेंट्स की एक पूरी लिस्ट एक वीडियो के थ्रू आपको दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाइए चैनल पे और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आज का मेजर टॉपिक क्या है और आज बिग बॉस के बारे में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो सुन के शायद आप सब भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाओ। तो अभी अभी बिग बॉस का थीम लॉन्च हुआ है और थीम है बिग बॉस का इस बार का टाइम ट्रेवल्स, विच इज बेस्ड ऑन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब टाइम ट्रेवल्स जो थीम है उससे एक चीज तो साफ साफ गवारा है कि कहीं ना कहीं ये जो थीम है वो बिग बॉस के पास्ट से रिलेटेड है, और अगर बिग बॉस के पास्ट से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं ये पास्ट कंटेस्टेंट से भी रिलेटेड है। तो ऐसे अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है बिग बॉस सीजन 18 में सिर्फ नए ही नहीं बल्कि ओल्ड कंटेस्टेंट्स, ओल्ड टास्क, ओल्ड कनेक्शंस और ओल्ड सिचुएशंस बिग बॉस की ऑडियंस को देखने को मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है जो कि सुन के मुनव्वर फारूकी, जो कि ऑलरेडी बिग बॉस सीजन 17 का पार्ट रह चुके हैं और बिग बॉस सीजन 17 जीत भी चुके हैं, उनके फैंस ये खबर सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि मुनव्वर फारूकी द विनर ऑफ सीजन 17 ऑफ बिग बॉस, अभी वो हाल ही में लाफ्टर चेफ में दिखाई दिए थे जिसमें बातों बातों ने विक्की जैन ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया जिससे काफी बड़ा हिंट मिल गया मीडिया को भी और लोगों को भी। विक्की जैन का स्टेटमेंट था कि कहीं आपको मुन्ना फिर से देखने को ना मिले अक्टूबर 5 को। अब अक्टूबर 5 को मैं बता दूं कि बिग बॉस का प्रीमियर है और बिग बॉस शुरू हो रहा है, और विक्की जैन के स्टेटमेंट के बाद से फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है कि कहीं ये जो टाइम ट्रेवल्स की थीम है इसके जरिए उन्हें फिर से बिग स्क्रीन पे मुनव्वर को देखने का मौका मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बिग बॉस की टीआरपी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि हमने OTT3 में भी देखा था कि एक एपिसोड जिसमें बिग बॉस ने एज अ गेस्ट अपियरेंस बुलाया था मुनव्वर फारूकी को, उस एपिसोड की टीआरपी बाकी सारे ही दिनों से बहुत ही ज्यादा हाई थी। सिर्फ बिग बॉस ही नहीं बल्कि स्प्लिट्सविला एंड ऑल भी मुनव्वर फारूकी का यूज करने लगे हैं अब टीआरपी बूस्टर की तरह। तो शायद बिग बॉस 18 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। इफ नॉट मुनव्वर फारूकी देन पक्का ये जो टाइम ट्रेवल्स का थीम है वो कुछ ना कुछ ट्विस्ट लेके तो आएगा ही गेम में। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ रोजमर्रा की बिग बॉस रिलेटेड एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग न्यूज जानने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने कमेंट शेयर करिएगा इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं शांभवी कहती हूँ आपसे गुड बाय, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।